हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे, ये लड्डू देख ही रहे होंगे आप, लेकिन ये हमने ऐसे ही नहीं बनाई, हमने बासी रोटी से बनाए हैं। जो घर में रोटियाँ बच जाती हैं उनको बच्चे खा के खुश नहीं होते, तो उनसे हमने लड्डू बनाए हैं। और ये बिल्कुल जैसे बाटी के लड्डू होते हैं ना, राजस्थानी चूरमा, एकदम वैसा टेस्ट आया। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कटोरी चीनी ले ली, उसमें 4 इलायची डाल के और उनको पीस लिया। ये 4 रोटियाँ ले ली हैं, इनको तोड़ तोड़ के और मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इनको भी उसी जार में पीस लेंगे जिसमें हमने चीनी पीसी थी। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। ये देखिए रोटी कितने अच्छे से पीस के तैयार हो गई है, और बिल्कुल दाल भाटी वाला जो भाटी चूरमा होता है ना, उसका टेस्ट आएगा इसमें। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर आपके पास भी रोटियां बच जाती हैं और बच्चे नहीं खाते हैं तो। देखिए इनको ज़्यादा नहीं भूनना, बिल्कुल लो आँच पे और धीरे धीरे इसको थोड़ा घी डाल के भूनेंगे, क्योंकि इसमें पहले रोटी पकी हुई है, ज़्यादा आँच करके ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। घी डाल के इसको भून लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालूँगी, आपके पास है तो डालें, अगर ना है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। और ड्राई फ्रूट डालना चाहो तो ज़रूर डालना, मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि सबके पास घर में ड्राई फ्रूट नहीं होते हैं, तो मैंने इसको सिंपल बनाया है। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट इसमें बादाम, काजू, किशमिश, जो भी आप डालना चाहो, मगज के बीज, वो सब डाल सकते हो। और अगर नहीं डालना चाहो तो इसको सिंपल ऐसे भी बनाओगे तो ये बहुत टेस्टी बनेगा। घर में आजकल अनाज बहुत महंगा हो रहा है और वेस्टेज होती है, तो अच्छा नहीं लगता है। और आजकल के तो गली के जो कुत्ते होते हैं वो भी रोटी नहीं खाते हैं ठंडी, तो उनके कुछ नई डिश बना के, नया आइटम बना के खाएं तो अच्छा हो जाता है। ये हमने गैस को बंद कर दिया, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसमें चीनी डाल लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। हम मीडियम का मीठा खाते, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाते और बहुत कम भी नहीं खाते, तो मैंने अपने हिसाब से चीनी डाल लिया। आप अपने हिसाब से चीनी डाल लें इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करके और इसके लड्डू बनाएंगे। आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, प्लेट में डाल के जम जाएंगी, तो शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये दाल के साथ खाओ या आप किसी भी सब्ज़ी के साथ खाओ, बहुत अच्छे लगेंगे। हमने तो ये आलू की सब्ज़ी के साथ खाए थे तो बहुत टेस्टी लगे थे दोस्तों, तो ट्राई ज़रूर करना। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहे कि बासी रोटी से बनाए हैं। तो बनाते रहिए दोस्तों, खाते रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। बाय दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।